ललितपुर में हुई घटना के मामले में आदमी पार्टी राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के ललितपुर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सहारनपुर से आम आदमी पार्टी नेता योगेश दहिया ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए मामले में सीबीआई की जांच कराने की मांग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता योगेश दहिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, अब थाना भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। ज्ञापन प्रदर्शन के मौके पर योगेश दहिया, चरण कुलदीप सिंह, अनिल कुमार, मोहम्मद आजाद, सुशील टांग, रविंद्र राठी व अमित गौतम मौजूद रहे। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, और सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई कि अब थाना भी सुरक्षित नहीं रहा है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, जिसमें ललितपुर में एक अभी घटना हुई है जिसमें स्वयं थाना अध्यक्ष महोदय दुष्कर्म के मामले में लिप्त थे और वो फरार हो गए थे, जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद वहाँ एक मोहरीर साहब ने चोरी के शक में एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा है, और उसके बाद कोड़ में खाज ये हुआ कि चंदौली में जो है स्वयं पुलिस वाले घर में गए और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप किया और उसके बाद उनकी मृत्यु की। तो ये जो रेप, कुकर्म और घटनाएं हो रही हैं, इस पर आम आदमी पार्टी ने आज राज्यपाल महोदया से ये निवेदन किया है कि वो हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच कराएं। आज आम आदमी पार्टी के सभी साथी यहाँ डीएम सहारनपुर के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया है राज्यपाल महोदया को कि इस काम को अतिशीघ्र वो कराना चाहें। आम आदमी पार्टी We'll be right back.